नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और बिहार बदलाव पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कुछ देर पहले न्यूज 24 से रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसी बदलाव पर बातचीत की है। सुनिए एक बार फिर से क्या कुछ कहा उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत किशोर है। सर, ये बताइए, रातों रात बिहार में सत्ता बदल गई? नहीं, ये कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ, 2012-13 से जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है बिहार में, उसी की दिशा में ये एक और अध्याय है, एक और कड़ी है। पिछले 10 सालों में ये छठवां प्रयोग है सरकार का। दो ही चीज़ कांस्टेंट है, एक नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पे सारे फॉर्मेशंस में रहे हैं, एक को छोड़कर जिसमें मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, और बाकी बिहार की जो स्थिति है, बिहार के लोगों की जो परेशानी है, उसमें कोई मूलभूत चेंज नहीं देख रहा है। बाकी चीज़ें तो फॉर्मेशन बदलते रहे, पहले भी रातों रात सत्ता बदली, आज भी बदल रही। प्रशांत किशोर क्या मानते हैं, इस बार किसने किसको धोखा दिया? भाई, किसी देखिए किसने किसको धोखा दिया है, तो जिसको जहां मौका मिलेगा वो अपने इंटरेस्ट में उसने अपना निर्णय लिया होगा। किसने किसको धोखा दिया ये तो जिसने धोखा खाया वो उसको, और जिसने दिया वो ही बता सकता है। मैं तो उसका भागी हूँ नहीं। सर, जदयू ने जो आरोप लगाया कि बीजेपी काफ़ी सालों से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश कर रही थी, आप नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये तो स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। जदयू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बताया है कि वो इसके सबूत पेश करेंगे, क्या करेंगे, वो आप लोग के का विषय है, उनका विषय है कि वो बताएं। मैं जो समझता हूँ कि 2017 से जो नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में थे, मुझे जो दूर से या उनके साथ रह के भी लगा, उस गठबंधन में वो कभी कंफर्टेबल नहीं दिखे मुझे, कम से कम उस तरीके से नहीं दिखे जैसे पहले एनडीए के सरकार में थे। तो उस जब आप किसी फॉर्मेशन में या किसी काम को करते हैं, किसी व्यवस्था में रहते हैं, उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, तो उसका बहुत लंबे समय तक चल पाना संभव नहीं है। बातचीत एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सौरभ कुमार के साथ इस वक्त जीताराम मांझी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं सौरभ जी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी है। सर, ये बताइए, कल अचानक जो सब कुछ हुआ, इसकी आशंका पहले से थी या आपको पहले से पता था कि ये सब कुछ 9 तारीख को होने वाला है? देखिए, पहले से हम लोग एहसास कर रहे थे कि जिस दिशा में भाजपा की सरकार और पार्टी बढ़ रही है वो हिंदुस्तान के लिए घातक है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता की नीति ही चल सकती है, दूसरे की नीति नहीं चल सकती है। और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी सरकार चल रही है वो ऐसा कर रहे हैं, तो आज न कल हवा उठनी चाहिए। और अब जो समय ऐसा आ गया अंत में भी कि जब नड्डा साहब ने कह दिया कि हम छोटी पार्टियों को देखना नहीं चाहते, सब पार्टी 2024 से पहले सभी रीजनल पार्टियां जो है वो खत्म होगी, तो ये भी बहुत डेंजरस बात उन्होंने कह दी। तो एक तो सांप्रदायिकता की बात में आई बात, और दूसरा फिर ये राजनीतिक बात भी आ गई। तो ये दोनों बात मिला करके लगा कि तत्काल कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, और इस सोच के आधार पर नीतीश जी ने कार्रवाई की, इसलिए हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप लोगों ने धोखा दिया बीजेपी को। वो तो कोई भी कहता है, जब बातें ऐसी आती है तो धोखा तो लोग कभी करता है, कोई कुछ और बोल देता है। अरे, तो बंद करो, एक जुमला है वो, किसी के साथ एक घटना घटती है तो यही लोग कहता है कि हमको धोखा दिया है। लेकिन सर, ये बात है ना कि अब तो महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, नीतीश कुमार 2 बजे शपथ लेने वाले हैं, तो अच्छा ये रहता कि नीतीश कुमार के साथ साथ और भी कई जो मंत्री हैं वह शामिल होते, आपकी पार्टी से भी जो लोग हैं वह भी शामिल होते मंत्रिमंडल में आज ही। देखिए, वैसे तो हम ग्रह नक्षत्र और समय पर बहुत विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारे न करने से समूचे समाज की बात है वो नहीं ऐसा है। परसों से खरमास शुरू होने वाला, हाँ वही मेरा कहना है कि परसों से खरमास शुरू होना है, और अगर एक ही दो आदमी लेकर के एक महीना चलाएंगे तो ठीक है, वो तो नियम है, कंस्टिट्यूशनल बात है, वो ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कम से कम 70% या आधा मंत्रिमंडल भी, कम से जो 35-36 होता है, तो 18 मेंबर भी अगर शपथ ले लिए होते तो बहुत अच्छा होता। सर, हम पार्टी के आप मुखिया हैं, तो क्या चाहते हैं? अब आपकी पार्टी सरकार में है,
नई सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो कितनी भागीदारी होनी चाहिए आपकी मंत्रिमंडल में? देखिए, हम जो समर्थन दिया है वो बिना शर्त समर्थन दिया है, और हमारी कोई मांग नहीं है और नहीं कोई वार्ता है कि इसके लिए हम कह रहे हैं या कहवा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री जो चाहे करें उसमें हमको विश्वास। लेकिन 2015 का जो मॉडल है उसको अपनाना चाहिए। इस आधार पर हम कहना चाहते हैं कि 2015 मॉडल की बात लोग कर रहे हैं तो हम वहाँ एक थे तो हमको एक मिला था, आज हम विधायक और MLC मिला के 5 हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमको 2 मिलना ही चाहिए, 2 कैबिनेट मंत्री होना चाहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी बात है जो जीतनराम मांझी न्यूज़ 24 के कैमरे के सामने कह रहे हैं कि हमारी जो संख्या है उसके आधार पर हमको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। सर ये बताइए, आपको लगता है कि विपक्ष का चेहरा होंगे 2024 में नीतीश कुमार? आखिरी सवाल। क्या विपक्ष का चेहरा होंगे सत्ता में? प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री में तो उनसे पूछिए कि भाई वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे कि नहीं, वो तो यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार में सारी काबिलियत है, किसी भी पद को ठीक से चला सकते हैं। जब मुख्यमंत्री पद बिहार में 18 साल चला है तो प्रधानमंत्री का पद भी चला सकते हैं, लेकिन ये उन पर निर्भर करता है कि वो उसके लिए चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मतलब 2024 में उन्हें दिल्ली की तरफ जाना चाहिए, आपने पहले भी कहा था, अब तो नई सरकार बन गई है। ना, हम तो मानते हैं कि अगर वो बिहार के हैं और बिहार का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहला इच्छा हमारी होगी और समर्थन भी होगा। तो हमारे साथ थे जीतनराम मांझी, और अभी यहाँ पर संतोष सुमन जो जीतनराम मांझी के बेटे हैं और पिछले NDA की सरकार में वह मंत्री भी थे, वह भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आज शपथ ग्रहण है तो आप जा रहे हैं वहाँ पर? आ गया है बुलावा, देखिए निश्चित तौर पर जाएंगे। दर्शक के रूप में जाएंगे या शपथ ले? दर्शक के रूप में ही है जी। तो कब आपकी शपथ कब होगी? ये तो हमारी जानकारी नहीं है, हम लोग हमारी पार्टी सशर्त मैंने बिना शर्त समर्थन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पर हम लोग विश्वास रखते हैं, और ये कोई मामला नहीं है, और बिहार में विकास की सरकार बनी है, मेरी शुभकामना है। ये बताइए, आप NDA सरकार में मंत्री थे, आपको भी लग रहा था कि नीतीश कुमार जो हैं वो NDA में कम्फर्टेबल नहीं है, सही से काम काज जो है वो नहीं चल रहा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग पूरी पार्टी विश्वास रखते हैं उन पर, और हमारे यही हम लोग का है कि हम उनके साथ हैं, और जो बिहार के विकास की बात होगा, बिहार के अच्छाई के लिए जो भी बात होगा वो करते हैं। आज जो गठबंधन बना है निश्चित तौर पर एक अच्छा गठबंधन है, और हम लोग यही आशा करते हैं कि जो पार्टी हमने बनाया है गरीबों की सेवा करने के लिए, उस गरीब की जो सेवा के लिए जो वकालत करने बने हैं इसमें हम बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ये सरकार जो है रिप्रेजेंट करती है गरीबों की। अभी जीतनराम मांझी ने कहा हमारे दर्शकों के सामने कि जो संख्या बल है उसके आधार पर 2 मंत्री का पद मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। तो हमारे साथ थे संतोष सुमन, जीतनराम मांझी के बेटे हैं, पिछले NDA की सरकार में ये मंत्री थे, लेकिन आज चूँकि दोपहर 2 बजे केवल 2 लोगों का शपथ हो रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और डिप्टी CM के रूप में तेजस्वी यादव, तो इन्हें अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा मंत्री पद के शपथ के लिए। जी।